रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर मोदी सरकार ने सस्ते एलपीजी सिलेंडर की सौगात दी। सरकार में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती करने का फैसला किया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कमी का फायदा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों समेत सभी घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को मिलेगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपए की छूट मिलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में इस फैसले का ऐलान किया। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक की जोरदार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बैठक का एजेंडा किया गया है तय, जगह जगह पोस्टर्स लग चुके हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक में 2024 चुनाव के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा होगी। मुंबई बैठक में इंडिया गठबंधन में शामिल 27 दल शिरकत करेंगे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, स्टालिन, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी बैठक में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला भी बैठक में हिस्सा लेंगे। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले आएगा इंडिया गठबंधन का लोगो। 9 लोगों में से फाइनल लोगो हुआ डिसाइड। 31 अगस्त को इंडिया गठबंधन का लोगो जारी होगा। सूत्रों के मुताबिक तिरंगे के थीम पर होगा लोगो और लोगो में अंग्रेजी में लिखा हो सकता है INDIA यानी इंडिया, जिसका फॉन्ट बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेट में होगा। 2 अल्फाबेट और N भगवा केसरी रंग। आखिर के 2 अल्फाबेट I और A हरे रंग और बीच का अल्फाबेट यानी D सफेद और नीले रंग में हो सकता है। मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक के लिए महाविकास आघाड़ी ने कमर कस ली है। MVA ने सुपर 18 की टीम बनाई है। सूत्रों के मुताबिक सुपर 18 की जिम्मेदारियों को बांटा गया है। होटल अकोमोडेशन, लंच और खाने की जिम्मेदारी शिवसेना को दी गई है। इंडिया गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम भी उद्धव की शिवसेना को ही दिया गया है। ट्रांसपोर्ट और गाड़ियों से मूवमेंट और आउटडोर मीडिया प्रमोशन का जिम्मा NCP को दिया गया है, जबकि सोशल मीडिया का कार्यभार कांग्रेस संभालेगी। बैठक की जिम्मेदारियों के लिए हर दल से 6 नेताओं को मिलाकर कुल 18 लोगों की टीम बनाई गई है।